कंगारुओं का रोमांचक जीत आया, सेमीफाइनल की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया। तो हमें एक रोचक मुकाबला लगातार दूसरे दिन देखने को मिला। लगभग 800 इस मुकाबले में रन बने, तो आप समझ सकते हैं कितना रोमांचक ये मुकाबला रहा होगा। और इस हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में अगर अंतिम ओवर में और अंतिम गेंद पर फैसला हो कि कौन विजेता होगा तो आनंद आ जाता है, दिल खुश हो गया। खासकर कीवियों ने हमेशा से दिल जीता है सभी क्रिकेट प्रशंसकों का, खासकर वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। आज फिर से न्यूजीलैंड ने बहादुरी से इस मुकाबले में लड़ाई की और कभी भी हार नहीं माना, कभी भी हथियार नहीं डाला और स्टेज में अंत तक बने रहे। यही न्यूजीलैंड टीम की आज की खास बात रही। पहले रचिन रविंद्र और डेरी मिशेल ने मोड़ा थामा, फिर उसके बाद जिमी निशाम, इनकी जितनी भी आज तारीफ कर लें उतना कम होगा क्योंकि विकेट हाथ में नहीं थे, उसके बावजूद इतना बेहतरीन रन चेज करना। हालांकि पूरा मार्जिन नहीं कर पाए, लाइन नहीं क्रॉस करा पाए, लेकिन दिल जरूर जीत गए। जिस हिसाब से स्टेडियम में निशम निशम के नारे लग रहे थे, ये निशम के लिए काफी एक स्वप्न भरा दिन रहा होगा, क्योंकि वो स्वप्न में ऐसे ही माहौल का वो उम्मीद किए होंगे, ऐसे ही माहौल देखे होंगे और आज वो दिन उनका पूरा हो गया। हालांकि न्यूजीलैंड टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन इतना तो जरूर करा गया कि नेट रन रेट में बहुत भारी घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से की भी टीम को दो मुकाबले जीतने हैं। अगर नेट रन रेट पर पेच फंसेगा दो मुकाबले जीतने के बाद, तो न्यूजीलैंड टीम ने इस जीत इस मैच मुकाबले में हार के साथ जो 5 रनों से उन्होंने पाया, ये सुनिश्चित कर लिया कि बड़े अंतर से अभी वो एक भी मुकाबला नहीं आ रहे। तो ये कीवियों की ही एक तरीके से जीत है, कंगारुओं की एक तरीके से आप कह सकते हैं हार है, क्योंकि लड़ते लड़ते उनको इस मुकाबले में जीत मिली है। जिस हिसाब से उनको शुरुआत मिला था, उसके बाद ना वो टोटल लगा पाए, 388 रन मात्र बोर्ड पे बना, फिर उसके बाद क्या आज बल्लेबाजी की रचिन रविंद्र ने, डेरी मिशेल ने, जिमी निशाम ने, थोड़ा सा वहां पे सेंटनर जल्दबाजी कर गए, अदरवाइज रिजल्ट किधर भी जा सकता था, पासा किधर भी पलट सकता था और कीवी टीम यहां विजेता साबित हो सकती। लेकिन अंत में कंगारुओं की जीत हुई। मिचेल स्टार्क ने तो अपना काम कर ही दिया था 5 वाइड से, लेकिन उसके बावजूद लास्ट में जो जीता वही सिकंदर। तो आज का सिकंदर कौन? कंगारू टीम। लेकिन आज की विजेता जिसने सभी का दिल जीता, वो न्यूजीलैंड टीम। तो बहुत बेहतरीन रन चेज, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट और ऐसा ही वर्ल्ड कप सभी क्रिकेट प्रेमी अनुमान लगा रहे थे इस वर्ल्ड कप में होगा, लेकिन अभी तक आया नहीं था। लेकिन लगातार 2 दिनों में हमें एक दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिले और सबका दिल खुश हो गया, सबका दिल बाग बाग हो गया आज के मुकाबले में। तो स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो वहां पर रचिन रविंद्र ने 116 रन बनाया, उनके अलावा मिशेल ने 54 रन। इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जहां से एक बेस बनाया जाता है चेज में, वो बेस इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद निशम, इन्होंने अकेला लड़ा, अकेले लड़े ये अंत में, तभी जाकर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आया। अगर कोई और इनका साथ दे देता तो फिर चीजें बदल सकती थी। तो निशम अकेले बहादुरी के साथ लास्ट 10 ओवरों में लड़ते दिखाई दिए। लास्ट 10 ओवर में एकला चलो रे वो हो गया था उनके तरफ से, तो अकेले वो चलते हुए दिखाई दिए, यही थोड़ी सी कमी रह गई रन चेज में, अदरवाइज परफेक्ट रन चेज था। इतना विशाल काय अगर रन चेज आप वर्ल्ड कप के मुकाबले में करने का मादा रखते हैं, विश्वास रखते हैं सबसे बड़ी बात, तो मतलब आपकी टीम में दमखम जरूर है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, तो उनके तरफ से फिर से एडम जाम्पा उनके हीरो रहे, 3 विकेट इस मुकाबले में निकाला। उसके अलावा कप्तान पैट कमिंस ने भी डेथ ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी की, रन नहीं लीक किया। मिचेल स्टार्क जरूर कॉज ऑफ कंसर्न रहेंगे आगे आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि वो रन लुटाते हुए दिख रहे हैं, एक छोर से वो रन लीक करते हुए दिख रहे हैं। उनके अलावा हेजलवुड ने 2 विकेट, कमिंस ने 2, मैक्सवेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। तो ये तो पूरे मैच की समरी रही। ऑस्ट्रेलिया 388 रन पहले पारी में बनाया, किसके किसके दम पे, हेड के दम पे, वार्नर के दम पे। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का जो चेज रहेगा वो यादगार रहेगा, अगर यही चेज हो जाता तो फिर यह ऐतिहासिक मैच बन बैठता, रोज इसकी चर्चा होती, लेकिन नहीं हो पाया। तो अंत में जो जीता वही सिकंदर। तो आज के सिकंदर कौन? कंगारू टीम, और उन्होंने सेमीफाइनल की तरफ बड़ा कदम बढ़ा दिया है। तो आज के अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।